नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं हमें यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आए हुए हैं पहल ऑटोमोबाइल पे और जिस गाड़ी के बारे में आपको डिटेल देने वाला हूँ वो है अपनी यामाहा की फसिनो 125 ड्रम वेरिएंट और यामाहा रेज एडार स्ट्रीट रैली मॉडल। तो इन दोनों में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या आपको सारी डिटेल है वो सारी फटाफट कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है फसिनो के बारे में बता देता हूँ। तो ये इसमें आपको दो मॉडल मिल जाते हैं, एक रहेगा आपका ड्रम वेरिएंट और ये रहा दोस्तों भाई इसका फ्रंट लुक पूरा, और एक आता है इसमें डिस्क वेरिएंट। तो अभी इस मॉडल के बारे में अगर आप देखें तो ये आपको येलो कलर में देख लीजिए आप, तो भाई कलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब फ्रंट से स्टार्ट करें दोस्तों, तो इसमें आपको येलो कलर के हेडलाइट मिल जाते हैं और इससे अगर आप ऊपर वाली वेरिएंट में जाते हो तो यहाँ पे आपको LED वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे आपको येलो बल्ब मिल जाते हैं और इंडिकेटर्स की बात करें भाई तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। इधर आपको मिल जाता है यामा का लोगो और ये आपको फाइबर बॉडी मिल जाती है। लेकिन यहाँ बात करेंगे भाई तो यहाँ आपको जो है मेटल का जो फ्रंट फेंडर मिल जाता है, UBS की ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब जो कॉम्बी ब्रेक जिसको आप कहते हैं वो कॉम्बी ब्रेक वाली जो टेक्नोलॉजी इसमें मिल जाती है, मतलब आगे और पीछे दोनों जो ब्रेक है साथ में यूज़ होता है जिससे आपकी ब्रेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपकी गाड़ी जल्दी रुक जाती है। नेक्स्ट आप देखें तो टायर साइज़ इसका तो 90x90 12 इंचेस के इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं मैक्सिस के, और अलॉय व्हील की डिज़ाइन देखेंगे भाई तो कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों साइड पर, तो यहाँ आप देखेंगे तो भाई इसका जो बैटरी कंपार्टमेंट वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसकी जो बैटरी वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ इस टाइप का पूरा लुक आता है इसका साइड से, येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड में फुट पैक्स और ये रहा इसका दोस्तों एग्जॉस्ट सिस्टम। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फसिनो की ब्रांडिंग जो कि आपकी 3D mm में रहेगा, और भाई कुछ इस टाइप का लुक आता है इसमें। रियर में चलेंगे तो रियर का जो इसका टेल लैम्प का लुक है भाई कुछ इस टाइप का है, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है इसका टेल लैम्प। यहाँ पर आपको मिल जाएगा यामाहा का लोगो और इधर पर आपको दी हुई स्पेस नंबर प्लेट के लिए, और इधर आपको मिलेगा भाई रिफ्लेक्टर ऑरेंज कलर का। अब इसका मैं बूट ओपन आपको करके दिखा देता हूँ। तो बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली ट्विस्ट कर देना है, तो ये रहा इसका दोस्तों बूट। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका फ्यूल टैंक जो कि आपका 5.2 लीटर का रहेगा, और यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह दी हुई है। इधर आपको मिल जाता है इसका बूट और सारी चीज़ें आप देख लीजिए, तो बूट अच्छा खासा स्पेस इसमें आपको दिया हुआ है आप देख लीजिए। अब कंफर्ट की बात करें दोस्तों तो इसकी जो सीट है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दी हुई है, मतलब दो लोग आराम से बैठ के इस पर राइड वगैरह कर सकते हैं। इसकी चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चाबी की बात करें भाई तो इस टाइप की कुछ की आपको इसमें मिल जाएगी, और जैसे आप इसकी इग्निशन ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा व्यू आएगा आपका, और बैठने के बाद भाई कुछ ऐसा लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल है गाड़ी, नो डाउट कंफर्ट की कोई कमी नहीं है। और साइड मिरर्स आप देखेंगे भाई तो कुछ इस डिज़ाइन में आपको साइड मिरर मिल जाते हैं क्रोम में पीछे से, आप देख लीजिए। बटन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटो कट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आपकी गाड़ी अगर ऑन रहती है तो आप इसको ऑन, जैसे आप सिग्नल वगैरह पे खड़े होंगे और आपकी गाड़ी अगर ऑन रहेगी तो 3 से 4 सेकंड के अंदर जो आपकी गाड़ी है अपने आप बंद हो जाएगी, और जैसे आप इसको एक्सीलेट करेंगे तो गाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी। यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। इधर पे आपको मीटर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको कुछ इस डिज़ाइन में मीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको फसिनो का लोगो मिल जाता है, और जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी देखने को। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, और गाड़ी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो गाड़ी जैसे स्टार्ट होती है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी जो ऑन हो गई है, मतलब एक बार देखिए आप, फिर से मैं स्टार्ट करके बताता हूँ आपको। तो भाई ये है इसकी जो खासियत, यहाँ पे आपको क्रोम वगैरह मिल जाता है, और फ्रंट हेडलैम्प भी आप देख लो येलो कलर का। तो येलो कलर भाई इसका काफ़ी ज़्यादा फंकी लग रहा है, और स्पार्कल वाला कलर है, मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ जब चेकआउट करिए। तो स्पार्कल्स जो है छोटे छोटे स्पार्कल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो भाई ये काफ़ी बढ़िया पेंट क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है यामाहा ने। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी गाड़ी की तरफ, अपनी स्ट्रीट रैली यामाहा रेजर। तो इसकी ऑनरोड कॉस्टिंग की बात करें तो 1,08,000 के आसपास ऑनरोड कॉस्ट करती है भोपाल मध्य प्रदेश में। और लुक वाइज की बात करें तो भाई ये जो है इसका लुक एकदम स्पोर्टी जो स्कूटर आता है कुछ उस टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सिंपल लुक मिल जाता है, क्लासिक लुक जो है फैसिनो मिलता है। तो इधर पर आपको वाइट कलर की LED मिल जाती है। इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाएंगे ऊपर में, और इधर पे आप देखेंगे तो ब्लैक और कॉपर कलर इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्ट्रीट रैली की बैजिंग मिल जाएगी, और इस मॉडल में आपको जो है साइड में जो उसका फ्रंट जो गार्ड टाइप का दिया हुआ है, इधर पे आपको मिल जाता है LED हेडलैम्प, और इसको मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा लुक आता है, और भाई थ्रो काफ़ी बढ़िया है, देख लो आगे तक थोड़ा इसका जो व्यू जा रहा है। नेक्स्ट अपन नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको
रे रडार की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका फ्रंट फेंडर जो कि आपका रहेगा, देख लो भाई इसकी क्वालिटी है, UBS की आपको इसमें टेक्नोलॉजी मिल जाती है। नेक्स्ट आप देखें तो इसमें आपको जो है फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, निसन का डिस्क सेटअप देख सकते हैं। और टायर साइज की अगर अपन बात करें तो 90x90 12 इंचेस का इसमें आपको टायर मिल जाता है। और अलॉय व्हील देखेंगे तो इसमें आपको रेड कलर की स्ट्राइपिंग जो है वो मिल जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों साइड में आपको जो स्ट्रीट रैली का यहाँ पे भी लोगो मिल जाएगा, यामा का लोगो, और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर में जो फिनिश मिल जाती है। दोस्तों साइड की बात करें भाई तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है देखने को। इधर पे आपको बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाता है, उसकी जो बैटरी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इधर पे आपको मिल जाता है साइड स्टैंड, और भाई कुछ इस टाइप का लुक आता है आपका साइड से। इधर पे आपको फुटपैक्स मिल जाते हैं भाई, और इस गाड़ी आपको किक स्टार्ट भी मिल जाता है भाई, तो अगर आपकी कभी बैटरी डाउन होती है तो आप गाड़ी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। ये रहा इसका दोस्तों 125cc का हाइब्रिड इंजन, और इधर आपको मिल जाता है मोनो सस्पेंशन रेड कलर का, तो कुछ इस टाइप का दिया हुआ भाई। रियर की बात करें तो रियर टेल लैंप का अगर आप लुक देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और इधर आपको मिल जाएगी भाई नंबर प्लेट की स्पेस, और उसके साथ मिल जाएगा भाई आपको यहाँ पे साइड में रिफ्लेक्टर ऑरेंज कलर का। और भाई ये देख लो इसका इंडिकेटर का लुक, ये रहा इसका ग्रेबाइटर भाई ब्लैक कलर का। अब मैं आपको सीट ओपन करके दिखा देता हूँ, तो भाई ये रहा इसका कुछ बूट स्पेस, इसमें हेलमेट भी रखा हुआ है, तो आप एक छोटा हेलमेट इसमें आराम से रख सकते हैं। फ्यूल टैंक की बात करें तो 5.2 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, और 50 प्लस का माइलेज जो है आप इन गाड़ियों से निकाल सकते हैं अगर आप तरीके से चलाते हैं तो। और सीट की बात करें भाई काफ़ी कंफर्टेबल इसमें सीट दी हुई है, मैं बैठ के देखते हैं। ये देखिए भाई काफ़ी कंफर्टेबल जो सीट दी हुई है, और जैसे आप इसके इग्निशन ऑन करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपका पूरा लुक आता है इसके मीटर कंसोल पे। और गाड़ी में स्टार्ट आपको करके बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो है साइलेंट है गाड़ी का स्टार्टिंग, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन भाई तो यहाँ पे आपको ऑटो कट की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, मतलब आपकी गाड़ी अगर ऑन रहती जाए, सपोज अगर आप सिग्नल वगैरह पे खड़े हैं आपकी गाड़ी ऑन है, आपको चाबी से ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर ऑन रहेगा तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली 3 से 4 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगी, और जैसे आप इसका एक्सेलरेट करेंगे तो आपकी गाड़ी ऑन हो जाती है। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट भी मिल जाता है नीचे, अगर आपको सेंटर में यामा का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अपर टिपर और पासिंग सेम बटन मिल जाता है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और कुछ इस टाइप का इसमें आपको हॉर्न मिल जाएगा। फुली डिजिटल डिस्प्ले आपको दी हुई है, यहाँ से आप इसके मोड्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिप ऑटो वगैरह देख सकते हैं, मोड वगैरह तो नहीं है इसमें, तो आप चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज वगैरह मिल जाता है, तो ये रहे भाई कुछ सब। और यहाँ पे आपको जो मैट कॉपर कलर है वो जो है यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ, ब्लैक और मैट कॉपर, तो ये चीज़ आप चेकआउट कर लीजिए। दोस्तों ये थी अपनी रे रडार और फसिनो, तो दोनों ही गाड़ी में अपने जो सारी डिटेल्स वगैरह दी थी, तो जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसको आप उसके अकॉर्डिंग आप गाड़ी को चॉइस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को परचेस करने पर टेस्ट राइड वगैरह लेना चाहते हैं तो आप पहल ऑटोमोबाइल पर विजिट कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ भाई मार्च एंडिंग तक इन गाड़ियों पर आपको कैशबैक ऑफर मिल रहा है, मतलब 7,000 के आसपास जो है आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि एक्सक्लूसिवली पहल ऑटोमोबाइल पर अवेलेबल है। तो उसकी डिटेल अगर आपको जानना है तो डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, और यहाँ का नंबर और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करेगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।